नारी मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने सौंफ ले ली थी 1 टेबल स्पून फुल, 1 टेबल स्पून जीरा था, और जायफल जावित्री, और काली मिर्चें, जो होल गरम मसाला होता है हमारा, बादियान के फूल, ये सारी चीज़ें थी। और ये देखें, ये मैंने पीपली ले ली थी, ये तो ज़रूर ऐड होती है नहारी में। और ये जायफल जब ये मैंने इसमें से जितना मुझे डालना है वो मैं डाल लूँगी जायफल को। अब इन सब चीज़ों का हम पाउडर बना लेते हैं तो ये हमारा नहारी मसाला तैयार हो जाएगा। जी तो ये देखिए मैंने पाउडर बना लिया, इसको निकाल लेते हैं हम। ये मैंने पाउडर निकाल लिया। अब मैं इसके अंदर साबित कोल वाला जो धनिया होता है, ये मैंने उस वक्त नहीं पीसा था, मेरे पास पिसा हुआ रखा हुआ था घर का, ये मैं ऐड कर रही हूँ। और इसमें सौंठ जाएगी, तो ये मेरे पास सौंठ पाउडर है, ये मैं तकरीबन इसमें 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करूँगी। ये हमारा होम मेड नहारी मसाला तैयार। ये देखें आप लोग, अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। देखें प्याज लाल हो रही है, जब ये अच्छी तरीके से ब्राउन हो जाएगी फिर हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। मैं चिकन में बना रही हूँ, आप लोग चाहे तो बीफ पे भी बना सकते हैं, और मिट्टी की हांडी में बनाइएगा, बहुत मज़े की बनेगी ये। जी तो अब आप थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है ये। ये देखिए मैंने एक पोटली ले ली थी, इसमें मैंने सौंफ और ये तेज़पत्ता और ज़ीरा, ये मैं पोटली बना के डालूंगी। अभी आप लोग देखिएगा किस तरीके से ऐड करती हूँ मैं। जिस तरह हम लोग बाहर की खाते हैं नहारी, जावेद नहारी और मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट की, उसी तरह का टेस्ट आएगा, बल्कि उससे भी अच्छी बनेगी। और वो इतनी कॉस्टली हो गई है आजकल, आप लोग एक प्लेट लेते हैं तो वो 300 साढ़े 300 की आती है। अभी घर में बनाए इंजॉय करें, इतनी सारी बन जाएगी और बहुत टेस्टी बनती है। जी तो यहाँ पे देखिए नहारी बन गई है, और ये देखिए नहारी का जो है, ये मैंने प्याज रखी थी ब्राउन करने के लिए। अब आप ये लोग ये देखिए प्याज कितनी अच्छी तरीके से ये ब्राउन हो गई है, और ये बहुत ही डिफरेंट स्टाइल की नहारी बन रही है। मैं जो हूँ इसको चिकन में बनाऊँगी, आप लोगों की मर्ज़ी है, आप इसके लिए गोश्त भी ले सकते हैं, स्टॉक भी ले सकते हैं। मैंने 1/2 kg चिकन ले लिए, थोड़े बड़े पीस मैंने ले लिए। अब ये अच्छी तरीके से प्याज लाल हो जाएगी, फिर हम इसमें चिकन ऐड करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें रेसिपी को। बहुत मज़े की रेसिपी बनने वाली है, बहुत डिफरेंट स्टाइल की नहारी बनेगी। तो ये देखें प्याज लाल हो गई है, अब मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर देती हूँ। जी तो देखिए चिकन मैंने डाल दी है इसके अंदर, और अब बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स हम ऐड करते हैं इसमें। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून, देखिए मैं भर के ऐड कर रही हूँ इसमें, इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। अच्छी तरीके से मैं इसको, और मैंने ऑयल इस वक्त जो है ज़्यादा ऐड किया है, बाद में ऊपर से हम निकाल लेंगे। ये देखो अब मैं इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया, रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ 1.5 टीस्पून। मौसम चेंज हुआ है, कल बारिश हुई कराची में, तो इतना अच्छा मौसम हो गया, दिल कर रहा था कि कुछ डिफरेंट सा बनाए, तो मैंने सोचा इस मौसम में नहारी अच्छी लगती है। अच्छा अब ये देखेंगे धनिया है, ये ऐड करेंगे, इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से भून लेंगे। कलर देखें कितना अच्छा आया है इसका। अब मैं इसमें कलर के लिए पेपरिका पाउडर ऐड कर रही हूँ, जिससे इसका कलर और भी ज़्यादा अच्छा आएगा नहारी का। ये हम तकरीबन 1/2 टीस्पून से ज़्यादा ऐड करेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ओके देखो खुशबू आ रही है, ये देखें भाई आप कलर देखें माशाल्लाह से, ये देखें कलर कितना ज़बरदस्त आया है इसका। चिकन में तो फौरन बन जाती है, आप लोग इसको तरीके से भी बना सकते हैं।
अच्छा अब ये अच्छी तरीके से भुन गया है, अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ। चिकन है तो मैं थोड़ा देख के पानी डालूंगी, ये देखिए पानी ऐड कर दिया। आप लोग उसमें बनाएंगे बीफ में मटन में तो फिर आप उसके हिसाब से ऐड करिएगा। पानी ऐड कर दिया है, थोड़ा सा और डाल रही हूँ। अब उसके बाद ये जो मैंने पोटली बनाई थी ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी अभी, और बस अब हम इसको पकने देंगे। तो देखिए अब हम नहारी मसाला जो ये मैंने बनाया था आप लोगों के साथ रेसिपी है तो ये देखें। अब ये मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून के करीब इसमें, इसमें सौंठ वगैरह सब कुछ मैंने डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। थोड़ा सा मैं और डाल दी, इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब इसकी खुशबू आप देखें कैसी आएगी डाल लेंगे बाद जी। तो ये देखें अब ये मैंने 2 टेबल स्पून आटा लेके इसको अच्छी तरीके से ये देखें अब मैं इसके अंदर ऐड करती जाऊंगी और स्पून चलाते जाएंगे। ये देखें चिकन की नहारी है तो गोश्त फौरन गल जाता है, अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। देखिए अब हम चलाते जाएंगे इसको और ये सी में गाढ़ा हो जाएगी, अच्छी तरीके से गाढ़ी हो जाएगी। और अभी और पकेगी, अगर हम बीफ की बनाएंगे तो उसको जो है टाइम लगता है, थोड़ा गलने के बाद फिर ये प्रोसेस आप लोग ऐड करिएगा इसे। तो ये देखें बस नहारी डन हो गई है, इतनी गाढ़ी चाहिए हमें ग्रेवी की। और अभी मैं चूल्हा बंद करूंगी, जो ऑयल है मैंने ऊपर से नहीं निकाला था, ये खुद ब खुद जो है हांडी में थोड़े देर से ऑयल ऊपर आता है तो मैं जब ऑफ कर दूंगी फ्लेम तो ये खुद ब खुद ऊपर आ जाएगा ऑयल इस पर। फिर हम इसको और ये जो पोटली है ये मैं निकाल लेती हूँ, मैंने खुशबू के लिए डाली थी सौंफ की, सौंफ और गरम मसाला जो था इसमें, ये मैं निकाल लेती हूँ इसको से। बस अब हम चूल्हा बंद कर देंगे ताकि ये थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी ठंडी होने के बाद और ऑयल इसका ऊपर आ जाएगा, फिर हम डिश ऑफ करते हैं। देखिए नहारी रेडी है, मैंने निकाल ली है और ये बहुत ही मज़े की बनी है। और देखें ऑयल इसके ऊपर आ गया था, और आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, तंदूर की रोटी के साथ सर्व कीजिएगा। अदरक हरा धनिया हरी मिर्चें और लीमू वगैरह आपको काट लीजिएगा। ये देखें मैंने थोड़ी सी गार्निशिंग कर दी है। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।